बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग नेवर एंड्स। तो जी, आज फरमाइश तो थी कि शादियों वाले जो हैं हम फ्राइड राइस बनाएं, लेकिन आज जो है हमारी सिटी में हो गई है बारिश और वेदर हो गया है बहुत सुहाना। तो हम हैं मीठा लवर्स, हमने कहा शादियों वाला फिर हम ज़रदा क्यों ना बना लें। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स सब जल्दी से बता दूँ। ये देखें जी, राइस हैं, ये मैंने बॉईल कर लिए हैं, और हाफ़ के जी राइस है, और राइस कितने हैं, हाफ़ के जी और सेला राइस हैं। ठीक है, जितनी क्वांटिटी में राइस हो डबल क्वांटिटी में आप पानी ले लें और उसमें नमक डाल लें। ठीक है, जैसे ही पानी थोड़ा सा नीम गर्म होता है तो राइस आप बॉईल कर लें। आप ये देखें जी, ये तकरीबन 90 से 95% डालना है। ठीक है, राइस मैंने बता दिए हैं हाफ़ के जी हैं, और चीनी राउंड अबाउट हाफ़ के जी से थोड़ी सी कम ली है मैंने, क्योंकि मेरी ये 1.5 गिलास अगर राइस है ना तो मैंने 1 गिलास शुगर ली है। आप लोग चाहें तो इक्वल लेवल इनका कर लें। ठीक है, लेकिन नहीं, हम मीठा खाते ज़रूर हैं, लेकिन ज़रा मैं कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बाकी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं ये भी सारे स्वीट हैं जो इसमें जाने हैं। ये हमने फॉर गार्निश हमने लिए हैं गुलाब जामुन, और ये रहा हमारा खोया, टूटी फ्रूटी टू कलर्स की ग्रीन एंड रेड, और यहाँ पर है काजू, पिस्ताशियो पिस्ता है, बादाम है, और हमारी किशमिश है, और ये हमारा कटा हुआ नारियल है, और ये सेंटर में चंद इलायचियाँ हैं, 5 से 7 अदद कर लें, और इनको मैंने इस तरह से ओपन कर दिया। ठीक है, अब जल्दी से हम जो है असेंबल करते हैं अपने राइस को। सबसे पहले एक बर्तन लेंगे जिसमें आपने अपने राइस जो है कुक करने हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 मेथड से बनते हैं। ये देखें जी, फर्स्ट लेयर हमने राइस की लगा देनी है। ठीक है, आप सेकेंड लेयर जो है हमने शुगर की लगा देनी है। ये देखें इस तरह करके। ठीक है, आप लोग चाहें तो ये शुगर और राइस वाली लेयर को स्किप करके आप जो है चाशनी भी बना सकते हैं, जैसे हम बनाते हैं शुगर की। ठीक है, ये देखें, फिर राइस जाएंगे और फिर शुगर जाएगी, इसी तरह जितनी लेयर्स लगती है हम लगाते जाएंगे। तो जी, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो लेयर लगाई थी हमने राइस की लगानी है। ठीक है, अब जी जो हमारे पास है हमारी ड्राई फ्रूट की प्लेट से, इसमें से क्या करेंगे, गार्निश के लिए हम कुछ चीज़ें रख लेंगे। ठीक है, बाकी हम जो है किशमिश और अपनी कोकोनट, ये तकरीबन हम सारी यहीं पे ऐड कर देंगे, और हम सब इलायची जो है वो भी सारी यहीं पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और कुछ बादाम भी हम यहीं पे ऐड कर देंगे, और कुछ काजू भी हम यहीं पे ऐड कर देंगे, और कुछ बादाम पिस्ता और काजू हम रख लेंगे, और इसमें टूटी फूटी भी और हमारा खोया और गुलाब जामुन, इनको हम बिल्कुल एंड पे लगाएंगे। तो जी नाज़रीन, अब हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया, और मीडियम फ्लेम पे हम इसको अनकवर भी करेंगे और कवर करके भी। अब यहाँ पे घी हम शामिल करेंगे, घी हम देसी शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपको ऑयल में ज़्यादा पसंद है तो ऑयल में बना लें, लेकिन घी में बनता है, जो सा भी घी अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच जो है मैं देसी घी के इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये सेला चावल है ना, ज़्यादा जो है घी अब्सॉर्ब नहीं करता। तो नाज़रीन, हमने मीडियम आँच पर इनको हमने इनको छोड़ दिया था ताकि शुगर का पानी ड्राई हो जाए। आपको अब यहाँ पे दिखाते हैं कि ये देखें, शुगर ने पानी छोड़ा और वो अच्छे से ड्राई हो चुका, आप देख रहे हैं ना। अब हमने क्या करना है, जस्ट अब हमने इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स मज़ीद ऐड करके इनको दम पे लगा देना है। तो जी व्यूअर्स, हमने तवा रख के उसके ऊपर हमने अपना बर्तन पैन कढ़ाई जिसमें भी हमारे राइस बन रहे हैं, ठीक है, हमने अपनी कढ़ाई रख दी है राइस वाली। अब हम इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, हम जो मीडियम फ्लेम रखेंगे, आफ्टर 2 मिनट्स जो है हम अपना फ्लेम जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो जी दम पे रखे हुए हैं हमने अपने राइस, अभी दम हमने इनको देना स्टार्ट किया था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स जो है क्यूबरा एसेंस, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 से 3 जो है आपने ड्रॉप्स के एसेंस के गिरा देने, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको दम पे रखे रखते हैं, जैसे ही 10-15 मिनट गुजरते हैं तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसको रखे हुए ज़रदा को। ठीक है, शादियों वाला जो ज़रदा है 10 मिनट हो गए हैं, और फ्लेम हमने 3-4 मिनट बाद ऑफ़ कर दिया था। अब यहाँ पर ये कुछ जो है टूटी फ्रूटी काजू और बादाम और पिस्ता कुछ जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और इसको साथ ही हम डिश को डिश आउट करते हैं, और कुछ चीज़ें जो है हमने लास्ट में जो है अपनी डिश को गार्निश करना है उसके लिए हमने बचा लिए। ठीक है, तो जी नाज़रीन, अब हम जो है अपने ज़रदा को डिश आउट कर चुके हैं, और ये रहा खोया जिसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके थे, जितनी क्वान्टिटी आप लोग चाहें इसमें, जितना आप लाइक करते हैं, ठीक है, आप इतना इसमें डाल सकते हैं। ये देखें जी, इससे हम सजा लेते हैं,
ये अब जो ड्राई नट्स हमने बचाए हुए हैं जिसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ठीक है, उसको भी हमने लगा लेना। ठीक है, ये देखिए जी, एक तो टूटी फ्रूटी भी हमने रख दी है। तो जी ये रहे हमारे गुलाब जामुन जिनको हमने सेंटर से कट कर लिया, यानी कि एक गुलाब जामुन के हमने 2 पीस कर लिए हैं। अब हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। आपका दिल करता है तो लगाएं, आपका दिल करता है तो ना लगाएं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, इनका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त बना है। तो जी अब हमारे जो है शादियों वाला ज़रदा, बड़ा स्पेशल ज़रदा हमने रेडी किया है, और ये रेनी सीज़न का स्टार्ट है तो हमने मीठे का भी कर लिया है स्टार्ट। तो ये अब जी इसको टेस्ट करने का आ गया है टाइम। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये बना कैसे है, कैसे बना है वो तो पता है, कैसा बना है टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें कैसे खिला खिला सा चावल है, चावल टूटा भी नहीं है, क्या जैसे सरसों खिली हुई हो, और ये मेरा फेवरेट कलर है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त, इतने सॉफ्ट राइस बने हैं, टूटे भी नहीं और सॉफ्ट भी बहुत बने हैं, और शुगर लेवल बिल्कुल मुनासिब है। आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ये जो सारी चीज़ें इनके साथ खाना है ना, तो फिर ये शुगर लेवल ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। और ये एक नवाला मेरे लिए और एक नवाला मेरे व्यूअर्स के लिए। तो चलिए जी नाज़रीन, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ आती हैं पसंद तो ठीक है, थम्स अप किया करें, हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए कुकिंग नेवर एंड को दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।